ये वाली दीदी मेरी आई है, इसको देख सकते हैं आप लोग। एक तो पकड़ा गया, माँ खतरा बुड्ढा है, देखो ना ये पकड़ा गया। वो उसको मैंने, इसको मछली का भी चटनी बन जाएगा ना, खिला रही खेत नहीं काट गया। इतने पहला रन में कैसा मिलता है यहाँ अपना पॉन्स। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में एकदम सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ, तो अभी का समय हो रहा है 7:30 और 7:30 से आज अपना वीडियो को स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि आज 15 मई और आज के दिन पे मेरी दीदी आ रही है मेरे घर पे। जो दीदी का आज पूरा एक साल हुआ शादी, जिसका शादी हम लोग मेरे ब्लॉग में देखे होंगे, नेक्स्ट ईयर शादी हुआ था 14 मई को शादी हुआ था। 15 मई को अपने ससुराल गई थी, तो आज 15 मई को फिर से वो अपने घर आ रही है। मेरे भैया लेने के लिए गए, मेरे भैया गए हैं, आप लोग देखेंगे मेरे भैया का ब्लॉग में कि मेरे भैया कहाँ गए हैं, तो दीदी को ही लेने गए थे, तो आज उन लोग आ रहे हैं, तभी मुझे कुछ कुछ बनाना पड़ेगा। और वैसे कहा जाता है कि जिस फर्स्ट टाइम लड़की घर में आती है तो कुछ अलग ही बनता है, दाल का पूरी बड़ैन बोलते हैं उसको, खीर और क्या क्या बनता है वो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। तो आज हमारे घर पे क्या क्या बनेगा दीदी आने की खुशी में, तो दिखाएंगे आप लोगों को। चलते हैं अभी बनाने के लिए। सुबह सुबह सबसे पहले तो मुझे लाडू को ब्रेकफास्ट बनाकर लेना पड़ेगा उसका स्कूल के लिए, फिर उसके बाद आगे जो होगा दिखाएंगे आप लोगों को। और मार्केट बंद है तो कहीं हम लोग जा भी सकते हैं, जो भी होगा दिखाएंगे आप लोगों को आज के ब्लॉग में। यहाँ मैं बना रही हूँ लाडो के लिए टिफिन, तो आज बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया, इसके वजह से एकदम सिंपल सा हम लोग ये घड़वा रोटी बोलते हैं, जो आटा चीनी सब कुछ मिक्स करके तो इसको इस तरह से बनाया जाता है। थोड़ा मुश्किल होता है ये, लेकिन अभी ये बन गया मेरे से अच्छे से। तो इधर मैंने कुछ बनाया था, तभी इसको टिफिन भी मैं दे दी हूँ, तभी बस ये लास्ट एक बज गया हुआ है। इसको बनाते हैं, फिर उसके बाद से अपना ब्रेकफास्ट बनाना स्टार्ट करना पड़ेगा। और आज के ब्रेकफास्ट में कुछ ज़्यादा ही बनने वाला है, तो दिखाऊँगी मैं आगे। तो यहाँ अम्मी सुबह सुबह एकदम चना दाल भिगो के रख दी थी, इससे हम लोग बनाएंगे दाल का पूरी, लेकिन इसको बोलते हैं गाँव में बेड़ा ही चना दाल। तभी इसको मैं, मुझे थोड़ा सीटी लगाना पड़ेगा कुकर में, इधर रखते हैं और इसको रेडी करते हैं पूरी बनाने के लिए। स्पेशली ये वाला बनाया जाता है जब घर पे लड़की पहली बार आती है हमारे इधर, इसलिए आज यही बनाएंगे हम लोग। तो यहाँ सबीना अभी खीर के लिए पूरा सब कुछ रेडी कर रही है, इधर क्या क्या है तो वैसे आप लोग देख के बताइएगा इसमें क्या क्या सबीना ने ऐड किया है। अभी उधर सबीना खीर बना रही है, ये लीजिए खीर बन रहा है जी। सबीना इधर बना रही है खीर, खीर के लिए सब कुछ रेडी कर रही है, खीर भी बनेगा। और इधर मैं चना दाल रख चुकी हूँ बॉयल के लिए, तो इसके बाद ये डालेगी सबीना कप। और ये रहा बोड़ा चावल, बोड़ा चावल डाल के बनाएंगे हम लोग, तो बोड़ा चावल को भिगो के रखिए थोड़ा। तो इधर मैं अपना आटा गूंथ रही हूँ क्योंकि पूड़ी बनाना है, इसके वजह से इधर मैं गर्म और हम लोग उसके साथ साथ बनाएंगे आज पटल की सब्जी भी, तो ये सब्जी को भी बनाएंगे अभी थोड़ा देर के बाद। तो इसको अभी सबीना साफ कर देगी, कर देगा ना सबीना साफ करेगी, तब तक मैं आटा सान के रेडी कर दूंगी। यहाँ अभी हम लोग पटल आलू को पूरा अच्छी तरीके से काट चुके हैं, लेकिन अभी हम लोग सबसे पहले पटल को फ्राई करेंगे, उसके बाद आलू को। तो इधर तेल हो चुका है गरम, तो इसमें भी पटल को डालते हैं। यहाँ अभी पटल को फ्राई कर रहे हैं हम लोग, अभी पटल फ्राई होगा तब तक के लिए मैं ये मसाला को रेडी कर लूँगी। जो मसाला हम लोग इसमें ऐड करेंगे, जीरा, गोलमरीच, धनिया, मिर्चा, सब कुछ, लहसुन, तब इसको पीस के रेडी कर लेते हैं। यहाँ अपना सब्जी का मसाला रेडी कर रहे हैं, तभी इसमें टमाटर ऐड करना था, टमाटर ऐड किए अभी हम लोग, और फिर टमाटर को भी थोड़ा पकने देंगे। उसके बाद इधर मैं फ्राई करके रख चुकी हूँ पटल और आलू, और ये रहा दाल कुछ रेडी करके रखे, अभी इसका पूरी बनाएंगे हम लोग। सबसे पहले मैं सब्जी बना रही हूँ, फिर उसके बाद पूरी बनाऊंगी सोच रही हूँ। यहाँ अभी मस्त से एकदम दाल का पूरी बनाया जा रहा है, और इधर अपना सब्जी कुछ इस तरह से एकदम स्वादिष्ट बन रहा है। तभी इसको बनाने में थोड़ा समय लगेगा, इतना मैं थोड़े पानी ऐड नहीं करेंगे आज, क्योंकि पूरी के साथ खाना है, तभी ये सब्जी बनेगा। और यहाँ सबीना ने कुछ दो पूरी बना के भी रख दिया, इधर सबीना भर रही है दाल पूरी, सबीना भरना पूरा सीख रही है, अच्छा अच्छा दाल पूरी बनाएगी अभी। अभी इधर इसको बनाते हैं, आगे कम कर दिया इसलिए लाल नहीं हो रहे। सब्जी हो चुका है रेडी, बंद करो सब्जी को, सब्जी हो चुकी है रेडी। तभी कुछ इतने सारे पूरी सबको बना लेते हैं। और आज बहुत ही ज़्यादा गर्मी हुआ है, इसके वजह से हम लोग का हालत ख़राब हो रहा है किचन रूम में, खाना बना बना के देख सकते हैं आप लोग। ये हमारा भी नहीं रहे ना, पता नहीं क्या हो गया आज, जल्दी खाना भी नहीं बन रहा है, इतना सुबह से हम लोग बना रहे हैं बनने का नाम भी नहीं ले रहे, क्योंकि इतना गर्मी हुआ है। तो आज हम लोग शायद सब कुछ होने के बाद नदी नहाने जाएंगे, बहुत दिनों से नदी नहीं नहाए हम लोग, तो नदी नहाने का प्लानिंग है। तो हमारा खिड़की का बाहर का वेदर कुछ इस तरह से एकदम हरियाली हरियाली देख सकते हैं आप लोग, इधर पूरा घर घर है। अपना ब्रेकफास्ट बन के रेडी हो चुका है, दीदी आने के खुशी में हम लोग ने बनाया खीर, और इधर कुछ इतने सारे पूरी, और ये जो रात की रोटी थी इसमें हम लोग तेल लगा दिए, तो ये पूरी कुछ इतना सारा बना है, बेरहीन बना है और सिंपल सा पूरी भी बना है। और इधर बना है देखें आप लोग पटल आलू की सब्जी, जो इधर पूरा रेडी मस्त। अभी दीदी आने का वेट करते हैं कब तक आएगी, एकदम ब्रेकफास्ट बन के रेडी।
तक अभी अपना ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ हो चुका है, लेकिन मेरी दीदी अभी तक आई नहीं है क्योंकि उधर से ट्रेन से लोग लेट ना में, तो अभी हम लोग सोचे थे कि मॉर्निंग में ही आ जाएगी, लेकिन मॉर्निंग में नहीं आई। अभी 12 बजे के बाद ही शायद आने वाली है। तब तक के लिए सोच रही हूँ मैं अपना थोड़ा घर का काम कर लूँगी। मेरा जो डेली का ड्यूटी है मार्केट बंद में कटिंग करने का, तो मुझे अभी कटिंग वगैरह कुछ लाना पड़ेगा, इसलिए मैं इधर चाबी ले चुकी हूँ। अभी मुझे दुकान से जाके दुकान खोल के और ब्लाउज वगैरह कटिंग के लिए मुझे लाना पड़ेगा। फिर उसके बाद से देखते हैं कब तक दीदी आएगी, थोड़ा वेट करते हैं। जब तक आएगी तो पता चली जाएगा आप लोगों को। तब तक के लिए मैं अपना थोड़ा कटिंग वगैरह ख़त्म कर लूँगी, चलते हैं अब दुकान के लिए। पूरा बंद, इधर देखते थोड़ा जाके। यहाँ समीना को मिल चुका है होटल का ड्यूटी। जितना का खाना नहीं बनाया हम लोग, उतना बर्तन लग चुका है। इधर अभी समीना पूरा बर्तन को धो देगी बोल रही है, और मुझे कटिंग करने के लिए बोल रही है। समीना सब बर्तन धो देगी, मैं कटिंग करूँगी। और तो अभी मैं अपना कटिंग वगैरह सब कुछ ला चुकी हूँ, कुछ इतने सारे। तो इधर दो ब्लाउज एक टॉप, और इसमें है दो ब्लाउज, कुछ चार ब्लाउज और एक टॉप कटिंग करना पड़ेगा मुझे। जल्दी जल्दी से कटिंग कर लेते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है, कुछ करने का भी मन नहीं हो रहा है ना गर्मी की वजह से। अभी अपना कटिंग वगैरह सब कुछ हो चुका है, तो अभी का समय हो रहा है 1:30, और 1:30 से हम लोग जा रहे हैं अब थोड़ा नदी में नहाने के लिए। और नदी में नहाने के साथ साथ हम लोग सोचे थोड़ा प्रॉन्स भी पकड़ेंगे क्योंकि बहुत दिनों से हम लोग प्रॉन्स नहीं पकड़े। तो इधर मैं अपना ट्राइपॉड ले चुकी हूँ क्योंकि इसका थोड़ा ज़रूरत पड़ता है नदी वगैरह में जाने से, और इधर अपना सैंपल वगैरह। तो अभी मैं, पूजा, सबीना हम लोग तीनों लोग जाएंगे प्रॉन्स पकड़ने के लिए। तो फिर चलते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को आज कितना प्रॉन्स मिलता है। वैसे उस दिन तो मुझे बहुत सारे प्रॉन्स मिले थे, लेकिन आज मिलेंगे कि नहीं क्योंकि मार्केट बंद है, कोई कोई मार भी सकता है। तो मुझे अपना जाको ही लेना पड़ेगा। कैसा गर्मी लग रहा है सबीना? धूप से तो पूरा हालत ख़राब हो चुका है। ओ माई गॉड, जाको ही चाहिए जाको। इधर पूजा भी आ चुकी है, इधर सबीना भी। सबीना कैसा लग रहा है गर्मी? अच्छा। तभी हम लोग तीनों लोग जाएंगे, मुझे जाको ही उतारना पड़ेगा। ये लो तो पकड़ो, तो मेरा ट्राईपॉड वगैरह ये सब। प्लास्टिक लो, प्लास्टिक झींगा रखने के लिए ये लो। हाँ, तभी मुझे जाको ही लेना पड़ेगा अपना झींगा पकड़ने के लिए ये वाला। ओ माय गॉड, क्या पानी की तो है कहाँ से। इसको अभी हम लोग लेंगे, एक ही लेगा ना, तुम लोग नहीं पकड़ सकते यार। डर लग रहा है, डर लग रहा है। फोन में गिर गया, हो जाएगी ये, हो गया प्लास्टिक। जा रहे हैं हम लोग, पकड़ के लाएंगे। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं नदी में, और इन लोग नदी में आते आते पहले रेस्ट कर रहे हैं। इतना अच्छा वाला ठंडा लग रहा है यहाँ, बोल तो रहे गरम लगने से इधर आके बैठ जाना है। तो टाइम भी तो होना चाहिए इधर आके बैठने के लिए। आज तो मार्केट बंद है बोल के टाइम मिला है, तो अभी हम सेम बोल पूजा का जीन साबुन पूजा शरीफ बंदी है, तू क्यों बार बार इसको बदनाम करती है? सिंगल है मतलब बदनाम करता रहेगा कहीं भी पूजा। वही तो सिंगल, झूठ मूठ का मत बोलते रहो। पूजा एकदम सिंगल बंदी है, कुछ भी इसका वैसा वैसा नहीं है। तभी हम लोग जाएंगे यहाँ से मछली पकड़ने के लिए। देख सकते आप लोग को दिख ही रहा होगा ये वाला कहा मछली यूर है ना, ये वाला घास से मैं पकड़ती हूँ वैसे प्रॉन्स। तो ये वाला घास से अभी हम लोग पकड़ेंगे सबीना पूजा। ये इधर से जाएगा उधर, अगर उधर से मार के आएगा तो गंदा हो जाएगा, दिखेगा नहीं ना। तभी मैं चलती हूँ अंदर की ओर। देखते हैं यहाँ, ये लग रहा है कोई मार के गया है। देखो गया होगा, हम लोग आज बंदी है ना, और चप्पल पहनने का। मारते हैं, मिल जाए तो अच्छा ही अच्छा है। मैं सबसे पहले यहाँ मारूंगी। अभी तुम वहाँ रहो, गया देखो खड़ आया ना, तब से हम आज तो कौन देखते हैं पहला रन में कैसा मिलता है, कितना मिलता है पूजा। तुम जब झींगा मारते तब क्यों ये स्पोर्टिंग पहनते? नहीं, घर में पहनने में स्पोर्टिंग नहीं। इसको हम जब देख, कोई तो कोई मारा होगा ऐसे तो नहीं, कोई तो मारा, लेकिन झींगा एक नहीं आया, बामी आया। हाँ, कोई मारा होगा पक्का। देखो कोई मारा नहीं तो मिलता है ना, आज बनती है ना तो सुबह सुबह कोई मार, कोई मार नहीं है वो पक्का। नाम नहीं ले, यहाँ देख सकते पहला राउंड में बहुत ही ज्यादा कम मिला है, लेकिन फिर कोई नहीं, चटनी के लिए भी हम लोग मारेंगे तो मारेंगे। आज चटनी भात खाना है सबीना को ना। सबीना लो पूजा, तुम प्लेट तो आगे लाओ। सैंपल को निकालो उसमें से, नहीं इसमें वो नहीं रखने का जगह नहीं है।
हटा नहीं है ना। ये देखो किस उठने दे गुस्सा ना प्लास्टिक नीचे का। इसको दिखाओ सुनी ना, दिखा दे आपका जैसा दिख रहा है। माँ ये बड़ा होने से कितना टेस्टी लगता है खाने में। चलो अब देखते हैं और आगे। वो देखो इतना सारा झींगा। ओ वो नहीं पकड़ा है कोई, मार दिया लग रहा है। सभी लोग मजाक उड़ा रहे मेरा। मजाक क्यों उड़ा रहे? लेबर लग रहा है, वही देख रहा है। झींगा मारने से लेबर लगता है। 40 लग रहा है क्या? मॉडल मिस तो मार दिया है। मॉडल लग रहा है। मिस वर्ल्ड की मिस इंडिया लग रहा है। ऊपर जाएगा हाथ पकड़ने लग जाएगा। मैं मिलने वाला नहीं है कि आज क्यों बंदी है, सबको पकड़ लिया होगा। बस चटनी के लिए पकड़ ले रहे ना। हाँ ना पूजा कहाँ कैमरा एक्शन? मुझे मिला दुल्हा, पकड़ाएगा दुल्हा। ये किसका दुल्हा है बताओ? ये वाह बहुत तेज दुल्हा है रे, दिखाई दे रहे है। रुको रुको, जाल में फंसने वाला नहीं है। जाल में फंसाना पड़ेगा इसको। रुको रुको एक जगह बैठ जाएंगे तब बनाना। दिखाई दे रहे कि नहीं तुमको? दे रहे थे। भाग साला। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग, एक प्रॉन्स कितना आराम से बैठा हुआ है। इसको मैं पकड़ने के लिए कहाँ से कहाँ आ गई, लेकिन अभी तक ये पकड़ाया नहीं है। और एक के साथ दो दो एक और आ गया। तो इधर 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 भागा एक, ये इधर भाग रहा है, भाग रहा है। अभी मुझे पकड़ना पड़ेगा इसको, जिससे भी ये मोटू वाला को पकड़ते हैं हम लोग। चिल्ला रही है। नहीं कौन गया? यहाँ मैं पूजा का दूल्हा को पकड़ चुकी हूँ। अब सविना और पूजा डिसाइड करो किसका दूल्हा है। पूजा मुंह आगे देखो सविना। लो पूजा, लो पूजा को दे रहे, पूजा का दूल्हा। यहाँ देख सकते हैं ये वाला से भी काटा है मुझे बहुत जोर से, बहुत दूर दौड़ाया है। तू चल चटनी बनेगा तू। अब पूजा पकड़ने में तैयार रहे ना, बहुत बड़ा बड़ा झींगा आ रहे। लग तो नहीं रहे मुझे, एक झींगा भाग गिरे। मछली मिल जा, मछली का भी चटनी बन जाएगा ना। बस हम लोग चटनी खाना है। पूजा छोड़ना मत तुम, हम उठा के देखो फिर से एक बामी आया, सेम वही साइज का। झींगा तो सब मार चुके हैं सबको। झींगा मारने से सुबह आने चाहिए। मार पाएगा तुम लोग? दो दो एक बार देखेगा हम। प्रॉन्स पकड़ रहे थे लेकिन शायद कोई मार चुका है, इसके वजह से यहाँ नहीं मिल रहा है। तो अभी हम लोग सोच रहे कहाँ जाने के लिए। चल उधर पत्थर से मारेंगे, आगे की ओर जाएंगे थोड़ा। उधर हाथ से प्रॉन्स पकड़ते हैं, तो हम लोग आज थोड़ा हाथ का एक्सपीरियंस दिखाएंगे कि हम लोग हाथ से कैसे प्रॉन्स पकड़ते हैं। यहाँ का वेदर कितना खूबसूरत लग रहा है, देख सकते हैं आप लोग। इतना प्यारा वाला वेदर है कि यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। और एकदम प्यारा वाला वेदर में प्यारी प्यारी लड़की लोग यहाँ एकदम वेदर को देखते हुए बहुत खूबसूरत लग रही है। आप लोग पलटिए तो पलट, पूजा पलट। तो अभी हम लोग इसको ये प्रॉन्स पकड़ने और इसको नहीं लेके जाएंगे क्योंकि इससे आज प्रॉन्स नहीं मिल रहा है। चलो आगे बाद में हंस लेना जितना हंसना है। तो ये वाला बेड़ा लगाने के वजह से बहुत दूर से हमें जाना पड़ता है, एकदम कोना कोना से। रुको हम भी ले लेंगे। हाँ सब दूर दूर अलग अलग जगह रहेगा तो ना, हाथ से पकड़ने थोड़ा अलग अलग जगह रहते हैं, इतना साइड से इधर से जाना पड़ेगा। रिक्स के साथ जा रहे हैं। ओह माय गॉड। यहाँ से अभी हम लोग जाएंगे जहाँ कम पानी है, वहाँ पे हाथ से बहुत अच्छे से प्रॉन्स पकड़ा जाता है। और पता नहीं बहुत दिनों के बाद हम लोग इधर आ रहे, मिलेगा भी कि नहीं। इधर ये थोड़े थोड़े पानी में पत्थर को हटा हटा के देखना पड़ता है, जैसे कि यहाँ दिखाती हूँ मैं। ओहे हे हे हे, यहाँ हे मिलेगा लगता है प्रॉन्स, लेकिन ये भाग जाएगा, बड़ा वाला है, भाग जाएगा बड़ा वाला है। तब इसी तरह से हम लोग पकड़ेंगे, आगे तक चलते दिखाते। सबीना भी उधर लग चुकी है देखने के लिए। मुझे भी नहीं दिखाई दे रहा है, ये लग रहा पानी बहुत फास्ट चल रहा है ना। थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा, वो आगे की ओर। इधर पानी बहुत स्पीड अभी चल रहा है। वैसे पहले यहाँ पानी एकदम कम कम था तो बहुत आसानी से मिल जाता था, लेकिन अभी इतना देखने के बाद भी मिल नहीं रहे। मैं पत्थर वाला झींगा दिखाऊंगी आप लोग को, पत्थर वाला, लेकिन अभी यहाँ एक भी मिल नहीं रहे। एक दिखाई दे दे, यहाँ भी नहीं है। फोकस करे, सबीना को मिला एक प्रॉन्स। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है सबीना? छोड़ना मत,
इतना मेहनत करने के बाद भी सविना ने एक मिसिंग कर दिया। मैं पत्थर वाला प्रॉन्स दिखाना चाहती हूँ, पत्थर के नीचे कितने खूबसूरत वाला प्रॉन्स रहते हैं। रे पूजा ट्राई मार रही थी तो ट्राई नहीं मार रही, बस देख रही है इधर उधर। इसको अपने आप में भरोसा ही पूरा है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। यहाँ देखते यहाँ 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 मिल गया मिल गया मिल गया, मुझे मिल गया पत्थर वाला प्रॉन्स मिल गया। देख सकते हैं आप लोग ये पत्थर के नीचे, तभी मैं इसको पकड़ूंगी बस एक हाथ से। पकड़ा गया पकड़ा गया पकड़ा गया। ये देख सकते हैं आप लोग, ये वाला प्रॉन्स के बारे में बात कर रही थी। ये वाला प्रॉन्स मुझे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। देखिए कितना सुंदर वाला, और धूप में दिखाने से और सुंदर दिखिए क्या ये वाला। तभी ये वाला प्रॉन्स को हम लोग पकड़ने के लिए आया उतना दूर से हाथ से। देखो सविना को मिल गया एक ऐसा वाला प्रॉन्स पकड़ने, और ये थोड़ा ना जल्दी पकड़ा जाता है, व्हाइट वाला बिल्कुल नहीं पकड़ाता है। तभी इसमें जमा करते हैं, पहला जतरा हो गया। मुझे दूसरा एक और मिल गया, देख सकते हैं आप मुझे मिल रहा है। शायद यहाँ सविना को भी मिला एक प्रॉन्स, वो भी कितने बड़े बच्चे, बच्ची को जान लेगी क्या, इतना देर से कोई बड़ा नहीं पकड़ पाया, बच्ची को पकड़ ली। देखिए रखो ले लो पूजा, सविना को एक बच्ची मिली। यहाँ सविना को नदी का एक राजकुमार मिल चुका है। सविना दिखाई प्लीज राजकुमार को। यहाँ देख सकते हैं केकड़ा तो इससे बहुत आसानी से पकड़ा जाता है, लेकिन पता नहीं प्रॉन्स इससे नहीं पकड़ा रहा है। तभी मुझे बहुत बड़े, छोड़ दो छोड़ दो इसको छोड़ दो, छोटा बच्चा बेचारा, बच्चे को पकड़ के फायदा नहीं है। देख सकते हैं आप लोग कितना खूबसूरत सा नदी है ये, और ये वाला वेदर में इस तरह से झींगा पकड़ने में बहुत ही मजा आता है। अगर और 5-6 लोग रहने से और मजा आता है ना सविना, तभी हम लोग कोई बात नहीं, 3 ही लोग हैं। लेकिन पूजा बस झींगा रखने वाली है ना पूजा। यहाँ अभी मुझे बहुत बड़ा वाला प्रॉन्स दिखा है, वैसे आप लोगों को नहीं दिखेगा, तभी मैं पकड़ के दिखाती हूँ। पकड़ा जाए तो माय गॉड सच का पकड़ा गया, बहुत बड़ा वाला प्रॉन्स मिला। ये देखो दोस्तों देखिए मुझे कितना बड़ा प्रॉन्स मिला, सच में बहुत बड़ा है ये, कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रे बड़ा है। ले पूजा पकड़, मेरा प्लास्टिक से पकड़ के गिर जाएगा। देखो तो इसका जबड़ा हटा दो, थोड़ा दिखाएगा, कुछ ज्यादा ही बड़ा है क्या ना। देखो काटेगा, देखो काटेगा, छोड़ना मत पूजा, इसका टंगड़ी तोड़ रही है सीधा, इसी से काटते हैं ना। वाह बहुत बड़ा वाला मिल रहा है, वैसे हम लोग को थोड़ा बहुत तो मिल चुका है, देखिए कितना बड़ा साइज का है। इसका मैं फेस दिखाती हूँ, वाह ये सबसे बड़ा मिला अभी तक का, और कुछ इतने सारे मिल चुके हैं हम लोग को, हाथ से पकड़े इतने सारे। तभी थोड़ा बहुत और पकड़ेंगे, फिर उसके बाद से जाएंगे कहाँ कहाँ। हाँ रुको रुको रुको, हम पकड़ते हैं, हटो हटो हटो, दिख रहा है दिख रहा है दिख रहा है आप लोग को शांति। ये जगह में ये जगह में ये जगह में ये जगह में देखिए देखिए दिख रहा है। माँ दो ठुए और एक ठुए कहाँ है, पकड़ा गया एक ठू पकड़ा गया एक ठू पकड़ा गया एक ठू पकड़ा गया एक ठू भाग गया एक ठू को और पकड़ता है। रुको ये जगह में है, हल्का से इसको हटाते हैं। हाँ 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 दो ठुए देख सकते हैं आप लोग, यहाँ तीन प्रॉन्स मिले, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक वहाँ है और एक वहाँ है, कुछ तीन बड़े बड़े प्रॉन्स मिले। प्लीज मैं इसको पकड़ती हूँ, एक तो पकड़ा गया, माँ खतरा बुड्ढा है देखो ना ये पकड़ा गया। वो उसको मैंने इसको पकड़ पकड़ सभी ने ये पकड़ 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 ये भाग रहे भाग रहे, मैं इसको पकड़ूंगी। रुको ये पकड़ो पूजा, ये बहुत बड़ा साइज का है, किधर यहाँ 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 उमा 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 उसको टंगड़ी देखिए। वाह तीनों का तीनों हम लोग पकड़ लिए, पूजा का एक, सबीना का एक, मेरा एक, सभी ने पकड़ लिए तीनों। इसका टंगड़ी देखिए, तभी तक हमें कुछ चार बड़े बड़े साइज के प्रॉन्स मिले।
तो अभी मैं आप लोग को पूरा शांति में दिखा रही हूँ कि ये प्रॉन्स यहाँ कैसे रहते पत्थर के नीचे। यहाँ देख सकते हैं आप लोग ये कितना आराम से बैठा हुआ है। तभी मैं इसको पकड़ने के लिए जा रही हूँ। भाग गया इधर गया। यहाँ से पकड़ूंगी अभी इसको। पकड़ा गया। ये देख सकते एकदम ऐसा वाला प्रॉन्स मिल रहा है। बहुत ही मजा आ रहा है पकड़ने में एकदम ये वाला। एक टाइम मिले कि नहीं मिले खोजत रही। अरे मोर दोस्त मिलल है दिए तोनी के तो छोड़ दिले दोस्ती। एटा एटा बोलत हते हो कितना देबे छुआ? एकटा भी नहीं पाए। मिनी मिनी बोलम कि तो छुआ बोलम बोल। हाँ नाम से करे की नाम है तोर? हाँ सुजीता। हाँ गीता। गीता माय न्यू फ्रेंड गीता। तभी गीता मेरे साथ देते हुए गीता मोर साथ देते हुए और मई प्रॉन्स ए दिखे पकड़ते हुए ए छुआ मुके मिले रे। एक था देखबे ए दिखे मैं पकड़म एखन बहुत बड़वा है बस भागी ना है। आ पकड़ा गले देख ए दिखे ना बड़ोटा मिलले एखन। ओ मिनी छुआ खिला ना बहुत बड़ो मिलले मुके। मुई कहाँ रखी प्लास्टिक भी नहीं। ए दिखे मिलो थे ना छुआ मिलो थे ना। बहुत बड़ा साइज का मिला। अभी मुझे फिर से एक प्रॉन्स देख सकते हैं आप लोग। ये तो अभी हम लोग जा रहे हैं नहाने के लिए। कुछ कितने सारे प्रॉन्स हम लोग पकड़े वो मैं घर पे जाने के बाद दिखाऊंगी। और वो भी हाथ से पकड़े आज ज़्यादा वो जाल से मिल नहीं रहा था क्योंकि कोई कोई मार चुका था इसके वजह से। तभी हम लोग इधर से नदी के पूरा साइड से जा रहे देख सकते इधर नदी इधर से जा रहे हैं और कुछ इतने सारे प्रॉन्स है अपने हाथों में। तभी इसको जाके हम लोग क्या करेंगे वो घर पे जाने के बाद मैं दिखाऊंगी। चलते हैं अभी पहले नहा वहा के फ्रेश हो जाते हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं जो नदी में हम लोग को नहाना था। हम लोग ये वाला नदी में नहाते हैं। ये हमारा अपना नदी है तो यहाँ अभी हम लोग नहाएंगे। तो अब नहा के चलते हैं और बहुत दिनों के बाद नदी में नहा रहे तो बहुत मज़ा आने वाला है न सभी ना। चप्पल जा रहे इन लोग मैं भी चलती हूँ। तो अभी हम लोग नदी में पूरा नहा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है ये नदी में नहाने के लिए क्योंकि पूरा गर्मी था और हम लोग इतना देर प्रॉन्स पकड़े कि बहुत ही ज़्यादा गर्म लग गया था। तभी हम लोग एकदम नदी के बीच में आ चुके हैं। देख सकते हैं आप लोग पूरा पानी ज़्यादा वाला है। बहुत ही मज़ा आ रहा है इसमें नहाने के लिए। निकलने का भी मन नहीं कर रहा है। अब देखते हैं कब तक नहाएंगे। सबीना सबीना भी नहाएगी नहा रही पूरा मस्त में। सबीना जा पानी के अंदर। सबीना पानी के अंदर उड़ रहे। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। मजा आ रहा है ना। पूजा क्यों भाग रहे इधर? कैसा लग रहा है नदी में नहा के? देख सकते हैं आप लोग कैसा लग रहा है। जस्ट इमेजिन कीजिए कैसा लग रहा है देख के। समुंदर तेरे पीछे पीछे। तो अभी हम लोग काफी टाइम नदी पे नहाए हैं और बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। अभी भी निकलने का मन नहीं हो रहा है। फिर भी निकलना पड़ेगा क्योंकि मेरी दीदी आने वाली है। तो दीदी आने से पहले हमें घर पे जाना पड़ेगा ताकि दीदी आए तो हम लोग घर पे मिले और मैं आप लोगों को भी दिखा सकूं कि मेरी कौन सी वाली दीदी आई है इसके वजह से। तो चलते हैं अब घर के लिए। तो अभी मैं दिखाने जा रही हूँ आप लोगों को कितना सारा हम लोग प्रॉन्स पकड़ के लाए आज हाथों से कितने सारे प्रॉन्स पकड़े। तभी मैं इसको निकालती हूँ इसमें। ये देखिए इसमें तो मछली भी मिले थे हमें जो जाल से मछली मारे थे। और ये रहा कुछ इतना सारा प्रॉन्स मिला जो पूरा आज पत्थर वाला प्रॉन्स ज़्यादा है क्योंकि हम लोग हाथ से ही पकड़े आज। तभी इसको हम लोग जा रहे चटनी बनाने के लिए। आज इसका सब्जी नहीं बनेगा तो आज के लंच पे हम लोग इसको ही खाने वाले हैं प्रॉन्स की चटनी और चावल। और ये कितना मोटा है देखिए तो जो मोटा मोटा एक जगह मिला था वो सभी है। तो अब चलते हैं इधर चटनी बनाने के लिए। इधर अम्मी पूरा दाना के लिए आग जला कर रखी है। तभी हम लोग ये वाला आग पे इसको अच्छे से भून लेंगे उसके बाद इसका चटनी बनेगा पूरा। यहाँ मैं कुछ चार बड़े बड़े साइज के टमाटर ले चुकी हूँ क्योंकि प्रॉन्स थोड़ा सा ज़्यादा है इसके वजह से आज हम लोग चार टमाटर ऐड करेंगे प्रॉन्स की चटनी में। और ये वाला बामी मछली तब तो पकड़ा ही नहीं रहा था अभी तो इतना आसानी से मर गया ये पूरा। ये प्रॉन्स कैसे उठाएंगे और ये आग में। तो अभी हम लोग चटनी बना रहे थे अपना तब तक मेरी दीदी का कॉल आई है कि मेरी दीदी आ चुकी है मार्केट में रुकी हुई है। तभी हम लोग जा रहे हैं लेने के लिए। सबीना पूजा लाडो सब लोग जा रहे हैं दीदी को और दिखाऊंगी मैं आप लोगों को कौन सी वाली दीदी मेरी आई है।
यहाँ अभी हम लोग वेट कर रहे दीदी का। वैसे दीदी बोली थी आ चुकी है मार्केट में, लेकिन आई नहीं है, झूठ बोल रही थी हम लोग को। तभी शायद पहुँचने वाली होगी, तभी मुझे फोन किया, शायद आ ही रही। वही गाड़ी है जो दिख रहा है, वही है क्या सभी ना? ये नहीं है, अंकल जी इधर बैठे हुए, अंकल जी के दुकान के पास बैठे हुए अंकल जी ना। अंकल अंकल सोच रहे क्या बोल रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा। बाल उल भी मैं नहीं झाड़ी थी, ऐसे आ गई सभी ना। सामान लग गया, जाओ। यहाँ अपना चटनी का पूरा प्रॉन्स टमाटर मिर्चा प्याज सब पक चुका है, और पकाते पकाते आ चुकी है मेन स्पेशल खाने वाली। आज आज खाना है, आज खाना सुनाई नहीं दृश्य, देखो ना सभी ना क्या करवे, क्या करवे, क्या करवे, क्या करे बोलते ना। इसका इसके लिए स्पेशल बनाया है खाना, चटनी झींगा का चटनी और चावल, बस यही बनाया आज। पहला घर में स्वागत यही। तभी दीदी शायद फ्रेश वगैरह होगी, तब तक हम लोग चटनी अपना बना के आज खा ही लेंगे। चटनी एक घंटा से इसको पकाने में लगा, तब चलते इसको कूचने के लिए। यहाँ अपना पॉन्स का चटनी बन के रेडी हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग, कुछ इस तरह से एकदम स्वादिष्ट वाला। तब चलते हैं हम लोग खाने के लिए, और इसको बनाने के लिए हमें पूरा एक घंटा लगा है। तो यहाँ सबीना दीदी के लिए पूरा जो नींद में हम लोग बनाए थे, इंतजार करते करते शाम हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, तो हम लोग सुबह सुबह बनाए थे। तो ये वाला सबीना भी दीदी के लिए निकाल रही है, जो ये वाला स्पेशल खाया जाता है, क्या बोलते इसको, बोला सबीना बेड़ाहीन, बेड़ाहीन खीर और सब्जी भी तो है ना। तभी ये हम लोग दीदी को खाने के लिए देंगे। चलिए अपना निकाल दी, इधर हो जाएगा, इतना नहीं खाएगा ना सब्जी। इधर सबीना लेकर आ चुकी है खाना देने के लिए, इधर दीदी बैठी हुई है खाने के लिए। फर्स्ट टाइम आया इसलिए इज्जत देना पड़ता है, इज्जत मिल रहा है इज्जत। ये वाली दीदी मेरी आई है, इसको देख सकते हैं आप लोग, पहचान लीजिए कौन सी वाली, चार नंबर वाली दीदी। तो इनको अभी हम लोग दे दिए इधर सब्जी, खीर, पूड़ी, और कैसा लग रहा है जरूर कॉमेंट करके बताइए आप। टेस्टी लग रहा है, सुबह खाता तो और टेस्टी होता है। अभी क्या करेगा हम लोग, सुबह हम लोग को लगा कि 10 बजे तक आ जाएगी, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी बनाए थे सुबह सुबह। गरम गरम बोला था 10 बजे तक आ जाएगा, इसलिए हम लोग गरम गरम बनाया था। इंतजार करते करते ये भी बोरिंग हो गया लग रहा है। कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा खा लो, और उसके बाद हम लोग बना रहे हैं फिश। फिश बनेगा अभी, चलो फिश बनाने चलते सभी ना, चल। तो अभी मुझे डिनर बनाना है, और आज डिनर बनाने से पहले अपना ब्लॉग को खत्म कर रही हूँ, क्योंकि आज का ब्लॉग मेरा बहुत ही ज्यादा लंबा हो चुका है। दीदी आई है, फिर हम लोग फिशिंग करने गए, और फिर इधर उधर करते करते बहुत लंबा ब्लॉग हो चुका है। इसके वजह से मैं आज के ब्लॉग को इसको यहीं खत्म करती हूँ, और फिर एक और नए ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। और वो ब्लॉग में अभी थोड़ा मुझे फिशिंग करना, फिश बनाना है, जो मेरा अबू लेकर आए हैं तिनसुकिया से, उसको तो वो वाला ब्लॉग को मैं कल डालूंगी, तो अभी उसको मुझे बनाना पड़ेगा। तो ये ब्लॉग को मैं यही खत्म करती हूँ, तो कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और कैसा लगा आप लोग ये फिशिंग ब्लॉग, हाँ हैंड से फिशिंग किया वाला ब्लॉग, जरूर कॉमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।